सबसे बड़ी समस्या होती है परचेज ऑर्डर में, ये बात समझ में नहीं आती है कि परचेज ऑर्डर यूज किस लिए होता है। ठीक है, तो टैली प्राइम के अंदर जो परचेज ऑर्डर वाउचर होता है उसको तो पहले, अब यहाँ पे आपको परचेज ऑर्डर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अदर वाउचर में चलेंगे, अदर वाउचर में भी अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो सो इनएक्टिव पे जाएंगे। जैसे सो इनएक्टिव पे जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें परचेज है जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल एफ नाइन, क्या होती है कंट्रोल एफ नाइन। तो यहाँ पर तो ये हाईलाइट ही नहीं है, तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, इसी पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे तो पूछेगा एक्टिवेट करना है क्या, तो हाँ यस कर देंगे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसका महत्व तो सिर्फ इतना ही है कि आपने अपने होलसेलर पार्टी को ऑर्डर दिया कि भाई हमें इतने प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके पास अवेलेबल है, बस इतना ही है। कागजी तौर पर या जैसे भी हो, आपने टैली के थ्रू जैसे भी हो आपने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, कि हमको इतना सामान चाहिए, इसी की एंट्री पास होती है। ठीक है, अब इसमें कोई स्टॉक आइटम जुड़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर आ गए। अब ऑर्डर जो यहाँ पे देखिए, ये दिया है ना, यहाँ पे क्रेडिटर किसको ऑर्डर दिया गया है, तो मान लीजिए अंकुश को ऑर्डर दिया गया। ठीक है, अब मोड ऑफ टर्म पेमेंट्स, हम कैश में पेमेंट करेंगे कि चेक से करेंगे, कैसे करेंगे, तो मान लीजिए हम कैश में कर देते हैं, अदर रेफरेंसेस डाल सकते हैं, टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ डाला जा सकता है, किसके थ्रू जाएगा। तो कभी नहीं होता है, आपने देखा होगा कि बाहर से सामान आता है, ई कॉमर्स से सामान आता है, या किसी इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट से सामान आता है, जैसे अमेजोन से सामान आया आपका, तो अभी आपने फ्रिज ऑर्डर कर दिया, तो फ्रिज किस में लेके आएंगे, वो लोग बड़ी सी ट्रॉली में लेके आएंगे। ठीक है, तो वो ट्रॉली जो है वो डिस्पैच, ये हो गया। तो मान लीजिए ये जो है एक गाड़ी के थ्रू आ रहा है, जो भी आपकी है, तो वहां पे डिटेल डाल सकते हैं, डिस्पैच थ्रू, किस डिस्पैच का मतलब होता है किसके थ्रू भेजा जा रहा है। ठीक है, डेस्टिनेशन कहाँ जा रहा है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू कॉलोनी देवरिया, न्यू कॉलोनी देवरिया। ठीक है, और यहाँ पर इसमें आप लिख सकते हैं डिस्पैच टू ट्रक कर सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया ट्रक, टी आर यू सी के ट्रक। ठीक है, एंटर किया, कैरियर एजेंट का नेम क्या है, ठीक है, तो जो भी एजेंट का नेम है वो यहाँ पे नाम डाल देंगे आप, और यहाँ पे बिल लैडिंग नंबर वगैरह, मोटर व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर वगैरह क्या है, यूपी बाउंड, जो भी हो वो चीजें यहाँ पर आ जाती हैं, और एंटर एंटर करके यहाँ पे अपना जीएसटी आई एन डाल के फाइनल ऑर्डर नंबर वन है। ठीक है, अब परचेज अकाउंट ही यहाँ पे आएगा, ये तो साधारण सी बात है। अब यहाँ पे क्या क्या आपने ऑर्डर करा वो चीज आएगी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हम ऑर्डर करते हैं, जैसे बुक्स ऑर्डर करेंगे। ठीक है, तो ऑल्ट सी करके यहाँ एक स्टॉक आइटम बनाएंगे बुक्स का, तो ये बनाया बुक्स बी डब्ल ओ के एस। ठीक है, तो अब ये किसकी बुक्स है, जैसे पाइथन की बुक है, तो यहाँ लिख देते हैं पाइथन बुक बी डब्ल ओ के। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद है हमारे पास पाइथन की बुक, तो यहाँ पर हम चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे की प्रेस करेंगे तो देखिए पाइथन बुक आ रहा है, तो ये पाइथन बुक आ गया। ठीक है, अब इसको गोडाउन में डालना है नहीं डालना है आप देख लीजिएगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, कितने बुक्स आपने ऑर्डर किए हैं, 100 बुक्स आपने ऑर्डर कर दिया। रेट क्या रहा है एक बुक का, खरीद रेट मान लीजिए 500 का आपने खरीदा होगा। ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ये आ गए। ठीक है, इसके बाद दूसरी जो बुक है वो सी प्रोग्रामिंग की बुक है, सी प्रोग्रामिंग, इस तरीके से सी प्रोग्रामिंग आ गया। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एनओएस करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट वगैरह सेट करना चाहते हैं, हाँ या ना देख लीजिएगा, अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम इसको खरीदेंगे 650 रुपये का, और बेचेंगे कितने का, बेचेंगे कम से कम 800 का। ठीक है, तो ये एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर एंटर, एमआरपी डालना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और यहाँ पे यस करके, यहाँ पे यस करके, और यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे 900 कर देते हैं, एमआरपी तो 900 हो गई। ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, और ये कौन से गोडाउन में जाएगा ये तमाम डिटेल्स। ठीक है, या फिर क्वांटिटी की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे 50 मंगवाया आपने, ठीक है, 650 के रेट से, तो वो आ गया, इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी की बात आती है, तो सीजीएसटी लग गया, एसजीएसटी लग गया, अब ये आपका ये हो गया, इस तरीके से ये लगा होगा करके। आप इसमें जीएसटी ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीएसटी नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ये इसकी गिनती कहीं नहीं होती है। ठीक है, तो आपने ये कर तो दिया है, लेकिन क्या आपके स्टॉक आइटम में ये सारी चीजें आएंगी। पाइथन की बुक अगर मैं पी प्रेस करता हूं तो फल सारा है, पाइथन की बुक तो है ही नहीं, आपने सिर्फ ऑर्डर दिया, बस इतना ही काम रहा इसका। ठीक है, अब इसका बिल कैसा दिखेगा, जिनको मिलेगा उनको बिल भी तो दिखना चाहिए। देखिए परचेज ऑर्डर आ गया, आपने कितने का परचेज ऑर्डर दिया, 86,000। अब ये हटा दीजिए, परचेज ऑर्डर में ये नहीं लगा रहता है। ठीक है, चाहे तो लगा भी सकते हैं, अगर आपको मालूम है सारी चीजें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये रहता नहीं है जीएसटी। ठीक है, अब ये अब इसका बिल दिखा देता हूँ, वर्ल्ट पी करके कैसा दिखेगा। एंटर किया,
आई बटन प्रेस किया तो ये हो गया। तो ये आपका परचेज ऑर्डर रहा, आपने अपने क्रेडिटर पार्टी को ऑर्डर दिया कि भाई देखिए हमें ये चीजें चाहिए, कौन सी दुकान है हमारी, अंकुर स्टोर है, और अंकुश जो हमारी क्रेडिटर पार्टी है उन्हीं को ये बोला गया है, इतने का सामान आप भिजवाइए। तो बस यही तो है परचेज ऑर्डर, ठीक है।